तो फ्रेंड्स चलिए आज हम कुछ नया सीख लेते हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था, 3-4 मैसेज था कि अभी जो एक्सट्रीम 200cc एस है 160 आ रहा है उसमें कौन सा रियर वाला डिस्क पैड लगता है। बहुत सारे लोकल मैकेनिक को प्रॉब्लम हो रहा था कि डिस्क पैड ढूंढने में। चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे डिस्क पैड कौन कौन डिस्क पैड कौन कौन बाइक में फिट हो जाएगा, ये हम आपको बतलाएंगे। हम भी एक लोकल मैकेनिक ही है, लोकल मार्केट से ही है, हम लोग बहुत बड़ा सिटी से नहीं है, लोकल सिटी से ही है। चलिए हम वीडियो को कर लेते हैं फटाफट से स्टार्ट। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को देख रहे हैं। जेन्युइन भी डिस्क पैड है और जो मार्केट में हम लोगों को मिल जाता है वो भी। तो ये आप देख रहे हैं डिस्क पैड, ये CBZ एक्सट्रीम बाइक का डिस्क पैड है, रियर वाला डिस्क पैड है। ये CBZ एक्सट्रीम है, हंक है, उसके बाद ZMR है, उसके बाद ये करिश्मा बाइक है, उसमें सब में डिस्क पैड रियर वाला फिट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लिया, आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है हंक एक्सट्रीम रियर डिस्क पैड। ये जो डिस्क पैड है ये BS4 BS6 एक्सट्रीम 160R 200cc R 200cc S टोटल बाइक में ये डिस्क पैड फिट हो जाएगा रियर में। ये देखिए यहाँ पे निफिन कंपनी का ये डिस्क पैड है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो भी एक्सट्रीम न्यू मॉडल BS6 बाइक है सब बाइक में ये डिस्क पैड फिट हो जाएगा, हीरो कंपनी का बाइक में। उसी गाड़ी का जो फ्रंट में डिस्क पैड लगा है वो डिस्क पैड अगर नहीं मिल रहा है आपको मार्केट में तो वो डिस्क पैड आपको देखिए, ये TVS कंपनी का अपाची RTR बाइक का ये डिस्क पैड है मेरे पास। ये डिस्क पैड आपको एक्सट्रीम बाइक में फिट हो जाएगा फ्रंट में। एक्सट्रीम ओल्ड मॉडल है, एक्सट्रीम 200cc S है, एक्सट्रीम 160R है, टोटल बाइक में अपाचे का डिस्क पैड फिट हो जाएगा। चाहे तो आप इसको ओरिजिनल खरीद करके लगा सकते हैं या फिर चाहे तो आप मार्केट से लोकल भी लगा सकते हैं, आपको मार्केट में जो अवेलेबल है वो लगा सकते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगा अपाचे बाइक का डिस्क पैड फिट हो जाएगा। ट्रिम को जो बारे में पहले हम बता चुके हैं डिस्क पैड के बारे में कौन कौन बाइक में फिट हो जाएगा और ये कौन बाइक का डिस्क पैड है ये भी आपको हम बतला रहे हैं। ये अभी जो BS4 BS6 बाइक जो आ रहा है हीरो कंपनी का एक्सट्रीम 200cc 200R, ये सुजुकी कंपनी का जिक्सर बाइक का रियर वाला डिस्क पैड है। अगर आपको बाइक के नाम से डिस्क पैड नहीं मिल रहा है तो सुजुकी जिक्सर बाइक का आप डिस्क पैड बोलिएगा रियर वाला, दे देगा। तो आपको हीरो कंपनी का एक्सट्रीम 200cc बाइक जो है टोटल बाइक में ये डिस्क पैड फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो डिस्क पैड आप देख रहे हैं मेरे पास ये बजाज कंपनी का है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पल्सर बाइक का जेन्युइन पार्ट है और ये फ्रंट वाला डिस्क पैड है, ये बजाज कंपनी का पल्सर बाइक में फिट हो जाएगा फ्रंट में। उसके बाद रॉयल इनफील्ड अभी जो बुलेट बाइक है बुलेट में फिट हो जाएगा, FZS में भी फिट हो जाएगा और ये 3-4 बाइक है जिसमें डिस्क पैड फिट हो जाता है। पर आपको एक एक बाइक का नाम बतलाने लगूंगा तो टोटल वीडियो जो है सो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं जितना भी रनिंग बाइक है और लोकल मार्केट में आपको पार्ट मिल जाए मैं आपको वो बतला रहा हूँ। इसको हम अभी सेट कर लेते हैं। ये जो आप डिस्क पैड देख रहे हैं ये भी पल्सर बाइक का है और ये रियर का है, ये 220 बाइक का है और अभी जो BS4 बाइक आया है पल्सर 150cc में रियर डिस्क में, उस बाइक में भी ये डिस्क पैड लग जाएगा, 220 वाला ही डिस्क पैड है पीछे में फिट हो जाता है रियर में। ये जो है आपको 125 जो रियर डिस्क रियर में जो 100 बजाज कंपनी का पल्सर में रियर में जो डिस्क लगा है उसमें भी ये 220 का डिस्क पैड फिट हो जाएगा, 220F है उसमें भी ये डिस्क पैड फिट हो जाएगा। रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक में जो रियर में डिस्क पैड है जिस है उस बाइक में ये डिस्क पैड फिट हो जाएगा बजाज पल्सर का, ये भी आपको कहीं पे भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा। जेन्युइन डिस्क पैड नहीं मिल रहा है तो आप लोकल डिस्क पैड भी फिट करवा सकते हैं, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा डिस्क में, क्योंकि देखिए ओरिजिनल जो भी डिस्क पैड आता है कंपनी का वो थोड़ा महंगा भी हो जाता है। अगर आप लोकल कम बजट में लगवाना चाहते हैं तो आप लोकल डिस्क पैड भी लगवा सकते हैं, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी जो हम बात कर लें ये है यमहा SZR का डिस्क पैड, ये फ्रंट वाला डिस्क पैड है, ये डिस्क पैड जो आपको यमहा SZR में फिट हो जाएगा, सेल्यूटो बाइक में फिट हो जाएगा, FZS में भी ये बहुत सारा बाइक में फिट होता है डिस्क पैड जो ओल्ड मॉडल है उसमें। ये यमहा SZR का डिस्क पैड है, ये डिस्क पैड देखिए
ये उसी का लोकल डिस्पैट है जो हम लोग को मार्केट में, ये लोकल डिस्पैट आपको कहीं पे भी मार्केट में मिल जाएगा। जेन्युइन पार्ट ना मिले तो आप लोकल भी फिट कर सकते हैं। लोकल डिस्पैट लगाने से बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट आपको क्वालिटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि साफ थर्ड क्लास डिस्पैट लगा दिए तो आपका तो हो गया, कुछ दिन चलेगा डिस्पैट खराब हो जाएगा। क्वालिटी कोई अच्छा होना चाहिए, कोई कंपनी का होना चाहिए लोकल डिस्पैट। अब ये देख लीजिए, ये R15 का डिस्पैट है, ये रियर वाला डिस्पैट है R15 का। इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है, आपको हम प्राइस के बारे में डिटेल नहीं बतलाऊंगा क्योंकि हर मार्केट का प्राइस अलग होता है। जेन्युइन पार्ट का प्राइस हर मार्केट का एक ही होता है, लेकिन आपको प्राइस में कभी रेट बढ़ जाता है तो कभी कम होता है, इसलिए मैं प्राइस का डिटेल आपको शेयर नहीं करूंगा। ये देखिए R15 का है डिस्पैट मेरे पास, रियर वाला। मेरे पास दूसरा डिस्पैट भी है, एक तो इसको अनबॉक्सिंग करके दिखला रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डिस्पैट जो है FZS में रियर में फिट हो जाएगा, R15 में फिट हो जाएगा, फेजर में फिट हो जाएगा, उसके बाद FZS में फिट हो जाएगा, R15 में फिट हो जाएगा, R15 वर्जन 3 जो आया है, R15 वर्जन 3 बाइक है उसमें भी फिट हो जाएगा। अभी जो BS4 बाइक आया है उस बाइक में भी फिट हो जाएगा FZS का डिस्पैट। उसके बाद अभी R15 मोनेस्टर जो मोनेस्टर बाइक करके आया है, BS6 बाइक आया है, उस बाइक में भी फिट हो जाएगा। यामाहा कंपनी का लगभग देखा जाए तो रियर वाला डिस्पैट बहुत सारा बाइक में फिट हो जाता है। ये जो आप डिस्पैट देख रहे हैं मेरे पास, ये जो डिस्पैट है ये हुंडा सैन SP BS6 बाइक का है, कॉम्बो ब्रेक। ये BS4 BS6 सभी बाइक में डिस्पैट फिट हो जाता है। ओल्ड मॉडल जो हुंडा कंपनी का जो सैन बाइक है उसमें ये डिस्पैट लगा है। ये जो डिस्पैट है ये आपको हीरो पैशन एक्स प्रो पैशन प्रो टोटल बाइक में फिट हो जाएगा। होंडा कंपनी का यूनिकॉर्न बाइक में भी ये डिस्पैट फिट हो जाएगा, और ओल्ड मॉडल हुंडा सैन SP बाइक में भी ये डिस्पैट फिट हो जाएगा। ये भी आपको कहीं पे भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा। और अपाची बाइक का जो हम डिस्पैट बतलाए थे, ये महिंद्रा कंपनी का जो बाइक है, महिंद्रा बाइक में भी फ्रंट में ये डिस्पैट फिट हो जाता है। अपाचे RTR बाइक का ये CBZ एक्सट्रीम में भी फिट हो जाता है फ्रंट में। वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं।